नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस, इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़, बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उसका मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर जर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटल मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना। इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर 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 भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता था तब 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 वो उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी हाँ, कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जुहित चावला सतीश सह सा, आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कर्स मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मानने, मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन कुछ ने हाँ इस मूवी को डायरेक्ट किया है आगे आगे है कुंदन जो जाने पहचाने डायरेक्टर और दोस्तों इस एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। और, और सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता तथा तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों, दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो, फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी, चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना। इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था। तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 इस प्रकार तो इस, इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से एस भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आन्ना और क्रिस्ट ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूहित चावला सतीश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और सच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गब... गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कर्स मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है, हालांकि सुनील उसने अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद्दली से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बैंड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर 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 भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना आना भी ये बात पता बता देता है सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुन शाह ने हाँ सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कसल मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस, अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी, ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन कुछ ने हाँ इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन जो जाने पहचाने डायरेक्टर और दोस्तों इस एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड़ बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर और दोस्तों इस को एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने, बिल आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है, हालांकि सुनील उसने अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद्दली से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बैंड बैंड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। और, और सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता तथा तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और दोस्त समझती है, हालाकि सुनील उस, अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद्दली से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बैंड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर भी फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब 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 उसे साल में फेल होता था। तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आन्ना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब 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 उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सुना। इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म प्लेट पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वो जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस कानी आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स की प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी, चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस, इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कर्स मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपनी दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कर्स मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर 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 भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना कोई भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है। पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुन शाह ने हाँ सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन जो जाने पहचाने डायरेक्टर और दोस्तों इस एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी क्रिस को ये पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मानने, मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था। तब वो उसे साल में फेल होता था तब उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी तो आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने कु... सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है तो हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब 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 उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर, पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो, फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। और, और सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना। इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूहित चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और सच्चा दोस्त समझती है, हालांकि सुनील उसने अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद्दली से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड, बेड़ बैंड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर भी फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आन्ना और क्रिस्ट ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। और, और सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल, फेल होता था तब तब वो उसे साल में फेल होता होता मोड आता है है आना को भी एहसास सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूहित चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा लापरवाह इंसान है फिर वो फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना। इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़, बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था, तब उस कानी आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी कभी ना के बारे में तो मूवी कौन आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा पच्चीस फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन साह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन साह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कसल मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उसका मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर 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 भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिश ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना कोई भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है। पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना कोई भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब वो उसे साल में फेल होता था तब उसका मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह yeah, मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को एट्टी फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश शाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है, हालांकि सुनील उसने अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद्दली से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बैंड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा लापरवाह इंसान है फिर भी फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड़ के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल फेल होता था तब तो वो उसे साल में फेल होता था तब तो उस कहानी मोड़ आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वह दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 81 वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जुहित चावला सतीश सह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको टीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो, फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच गलत फहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी ये बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड़ बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब तब वो उसे साल में फेल होता था, तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों, दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी न के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूहित चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ असच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कभ, सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद दिल्ली से जीने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और क्रिस्ट ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तोहमी दोनों तरफ, दोनों तरफ है। और, और सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मारने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में फेल 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 होता होता तब 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 उसे साल में फेल होता था। तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज हुई शाहरुख खान के मच अवेटेड मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा 25 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी कभी यहाँ कभी ना के बारे में और इस मूवी को डायरेक्ट किया कुंदन शाह ने हाँ दोस्तों को डायरेक्ट किया है कुंदन शाह ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और दोस्तों इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एट्टी वन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान दीपक तिजोरी जूही चावला सतीश सतीशाह आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल सकती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म का नायक सुनील शाहरुख खान बचपन से अपनी दोस्त आना सुचित्रा कृष्ण मूर्ति से बहुत प्यार करता है पर आना उसे सिर्फ और सच्चा दोस्त समझती है हालांकि सुनील उस अपने प्यार का इजहार कर चुका है पर आना को लगता है कि सुनील कभी गंभीर हो नहीं हो सकता क्योंकि वह जिद्दी जिद से जिन्ने का वाला इंसान है उसे संगीत बहुत पसंद है वो अपने दोस्त के साथ एक बेड बेड में काम करता है उसके बाकी सभी दोस्त भी जानते हैं कि सुनील झूठा और लापरवाह इंसान है फिर वो फिर, फिर भी उससे वही सभी प्यार करते हैं फिर सुनील को जब लगता है कि आना और ती, ती, दीपक तिजोरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ से से झूठी अफवाह फैलाता है ताकि दोनों के बीच तोहमी हो और, और आना सिर्फ सुनील से प्यार करे हालांकि सुनील कोई गलत काम नहीं करना चाहता पर शायद यही पर उसकी एक बड़ी भूल हो जाती है और क्रिस को आना से बारे में सभी ऐसी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी पर क्रिस को यह पता चलता है कि सुनील झूठ बोल रहा है पर आना को भी यह बात पता बता देता है आना सुनील से नाराज हो जाती है और यहाँ तक कि बेड के सारे दोस्त भी सुनील सबको मारने मानने की कोशिश करता है पर नाकामी हाथ लगती है सुनील ने कि दोस्ती तब से शुरू होती है जब सुनील अपने बेड के दोस्त को होटल में खतरे में देखता है और सुनील को कई साल से पेपर में में फेल 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 होता होता तब तब उसे साल में फेल होता था। तब उस मोड आता है तब आना को भी एहसास होता है सुनील उसे बहुत बेहद प्यार करता है क्रिस इधर क्रिस की शादी की बात बात किसी और से चल रही है और आना जज्बाती होकर सुनील से शादी करना चाहती है सुनील को अपने दिल्ली इंसान का भाई अंत में वो कभी वो ही करता जो आना चाहती है इसलिए वो उसकी शादी क्रिस से करा देता है शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर निराश बैठा रहता है और अचानक एक लड़की जूही चावला जो रास्ते खो चुकी है वो दिशा निर्देश मांग रही है सुनील से संपर्क करती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी जरूर से जरूर भी पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद